हेलो दोस्तों, क्या आप जायके की सवारी के लिए तैयार हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा, वो भी तवे पे यानी गैस स्टोव पे बिना ओवन का इस्तेमाल किए। पिज़्ज़ा वैसे तो बच्चों को पसंद होता है, लेकिन ऐसे कोई बड़ा भी नहीं है जिसे पिज़्ज़ा पसंद ना हो। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आई एम श्योर कि आपको काफ़ी पसंद आएगी। और हाँ, एक सब्सक्राइब एंड लाइक तो बनता है यार, तो देर किस बात की। चलिए शुरू करते हैं फिर। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है उसकी टॉपिंग्स, तो हम लोग अपने ब्रेड पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल हमारे पास में वेजिटेबल्स घर पे होती हैं उन्हीं को यूज़ किया है। जैसे आप देख सकते हैं, टमाटर लिए हैं हमने, प्याज लिए हैं, शिमला मिर्च ली है। ये तीनों तो मस्त हैं, तीनों को तो यूज़ करिएगा ही। हाँ, लेकिन हमने यहाँ पे कैरेट भी ली है, वो ऑप्शनल है। और इन तीनों को हम लोगों ने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। आइए अब इन सबको साथ में मिक्स कर लेते हैं। और तो सब्जियां लेने के बाद इसमें ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून नमक प्लस 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी टॉपिंग रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने लिए हैं ब्रेड के स्लाइस, टोमेटो सॉस, मेयोनीज एंड मोजरेला चीज। मोजरेला चीज को हमने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब इसकी स्प्रेडिंग करना शुरू करते हैं। और ये रेडी है हमारा पिज्जा सॉस। और अब ऐड करते हैं इसमें वेजिटेबल्स, और इसी तरीके से बाकी सभी ब्रेड पिज्जा भी रेडी कर लेते हैं। एंड अब इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं हम लोग ग्रेटेड चीज। अब चलिए इन्हें हम लोग तवे पे रेडी कर लेते हैं। अब हमने तवा चढ़ा दिया है, आप चाहें तो इसे ओवन पे भी बेक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है वो तवा पिज्जा है, इसलिए हम आपको तवे में बना के दिखाएंगे। तो हमने नॉन स्टिक पैन को चढ़ा दिया है, अब इसकी ग्रीसिंग कर लेते हैं। ग्रीसिंग करने के बाद में अब हमने अपने जो पिज्जा रेडी किए थे इन्हें अपने तवे पे सेट करते हैं। और अब इसे लिड से ढक के थोड़ी देर के लिए बेक कर लेते हैं। ये 5 से 10 मिनट ही हम लोग इसे बेक करेंगे, और फिर इसे हटा के देखेंगे कि जो इसके ऊपर की चीज़ है जब मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि पिज़्ज़ा भी रेडी हो चुका है। और करीब 8-10 मिनट हो चुके हैं, अब लिड हटा के देखते हैं। और आप देख सकते हैं कि चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा बेक हो चुका है। तो चलिए अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, क्यों मुंह में पानी आ गया ना? अरे अरे रुकिए थोड़ा, अभी इसके ऊपर ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स की स्प्रेडिंग तो बाकी है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, खाइए, खिलाइए, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी प्रिपरेशन कैसी लगी। जल्दी मिलेंगे दोबारा जायके की सवारी में। नमस्ते।